बच्चों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम घूर्णी समरूपता और घुमावों की संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत समय पहले एक जादूगर राजा कृष्णदेवराय के दरबार में आया। उसने राजा से कहा, प्रणाम महाराज, मैं पास के राज्य का एक बहुत बड़ा जादूगर हूँ। अरे वाह, मैं आपकी कला को देखना चाहूंगा। लेकिन महाराज, मेरी एक शर्त है। अगर मैंने आपकी दी हुई किसी वस्तु को जादू से आधा घुमा दिया तो आपको मुझे 1000 सोने के सिक्के देने होंगे। मैं कल जादू का प्रदर्शन करने आऊंगा। इतना कहकर जादूगर वहां से चला गया। राजा सोच में पड़ गए। राजा ने अपने राज्य के सबसे बड़े विद्वान तेनाली रामन को बुलवाया और उन्हें सारी बात बताई। दूसरे दिन जादूगर आया और अपने साथ एक काला बक्सा लाया। उसने राजा से कहा कि आप इस बक्से में कोई वस्तु रखेंगे तो मैं उसे आधा घुमा दूंगा। राजा ने तेनाली रामन को इशारा किया। तेनाली रामन ने पहले एक घड़ा बक्से में रखा। जादूगर ने मंत्र पढ़ा और बक्सा खोला। बक्सा खोलने पर घड़ा आधा घूम गया था। अब तेनाली रामन ने लोहे की बनी 8 के आकार की एक वस्तु बक्से में सीधी रख दी। जादूगर ने मंत्र पढ़ा और जादू किया। जैसे ही जादूगर ने उस बक्से को खोला तो उसे सीधी वस्तु ही दिखाई दी। जादूगर ने फिर से मंत्र पढ़ा लेकिन सफलता नहीं मिली। अंत में हार कर उसने राजा से माफी मांगी और चला गया। राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने तेनाली रामन से पूछा, तेनाली रामा जी, ये तरीका आपके मन में कैसे आया? महाराज, किसी वस्तु को घुमाने का मतलब उस वस्तु को किसी बिंदु के चारों ओर घुमाना होता है। जादूगर ने कहा था कि वो किसी वस्तु को आधा घुमा देगा। जैसे जादूगर ने पहले घड़े को इसी प्रकार से आधा घुमा दिया। आप अगर किसी कागज में 8 को इस प्रकार से लिखें और कागज को आधा इस तरह से घुमा दें तो आपको 8 पहले जैसा ही दिखाई देगा। इसे 1/2 घूर्णी समरूपता कहते हैं। राजा तेनाली रामन की इस चालाकी से बहुत खुश हुए। तेनाली रामा जी, क्या मैं भी इस तरह कर सकता हूँ? हाँ महाराज, ये लीजिए और इसे आप आधा घुमाइए। वाह तेनाली रामा जी, यह तो मजेदार है। क्या ऐसी कोई और वस्तु है? इसे एक बार घुमा के देखिए। ये भी वैसा ही है। महाराज, अब तो आप बहुत कुछ जान गए। क्या आप किसी ऐसी आकृति के बारे में बता सकते हैं जो 1/4 भाग घुमाने पर भी पहले जैसी दिखाई दे? राजा सोच में पड़ गए। आप भी इस प्रश्न का जवाब ढूंढिए। इसका जवाब आपको अगले वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो में हमने कुछ ऐसी वस्तुओं और आकृतियों के बारे में जाना जिन्हें आधा घुमाने पर वह बदल जाती हैं। वहीं कुछ ऐसे भी उदाहरण देखे जो आधा घूमने पर नहीं बदलते। ऐसी आकृतियाँ जो आधा घूमने पर बिल्कुल पहले जैसी लगती है, उनमें 1/2 घूर्णी समरूपता 1/2 रोटेशनल सिमेट्री होती है। आप भी अपने आसपास ऐसी ही वस्तुओं को ढूंढिए और घुमाकर देखिए। धन्यवाद।